पास्ता और पिज्जा खाना किसे पसंद नहीं है। मैं मधुलिका फूड कनेक्शन में आप सबके लिए लेकर आई हूँ इंस्टेंट ब्रेड पास्ता पिज्ज़ा, जो बहुत ही टेस्टी है, डिलीशियस है और बनाने में एकदम सिंपल है। इसे हम 15 से 20 मिनट में इजीली बना सकते हैं। टेक्सचर तो आप देख ही रहे हैं, कितना चीज़ी और यमी है। इसे हम बहुत ही अच्छे से और सिंपल तरीके से आज बनाएंगे। इसके लिए मैं यहाँ पर ये दिसानो के एल्बो पास्ता ले रही हूँ। ये सूजी से बने हुए हेल्दी पास्ता हैं। आप इन्हें ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं और ये करीब मैं आधा कप पास्ता ले रही हूँ। तो इस तरह से पास्ता को बॉईल करने के लिए मैंने पहले से ही पानी को बॉईल करने रख दिया है। पानी में बॉईल आते ही आधा चम्मच के करीब नमक डाल दें और अब हम इसमें पास्ता डालेंगे। इन पास्ता को हम करीब 5 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर बॉईल आने देंगे। इसमें कोई भी तेल नहीं डालना है क्योंकि ये हेल्दी सूजी से बने पास्ता हैं। ये आपस में चिपकते नहीं हैं। बस एक बार स्टर कर दें। एक बार हिलाने के बाद में आप इसमें चेक करें ये हाफ डन हो गए हैं क्या। एग्जैक्ट 5 मिनट के बाद आप गैस को बंद कर सकते हैं और उसके बाद में इमिडिएट हम इसे छान लेंगे। छानने के बाद में ठंडे पानी से धो लें और इसे साइड में रख दें। बहुत ही खिले खिले ये पास्ता रहते हैं। अब हम यहाँ पर एक बोल में 2 टेबल स्पून मेयोनीज डालेंगे। साथ ही में हम यहाँ पर 2 टेबल स्पून टोमेटो केचप भी डाल देंगे। यदि आपके पास में पिज्ज़ा सॉस है तो आप वह भी यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से दोनों चीज़ों को डालकर हम यहाँ पर इसे मिक्स कर लेंगे। तो घर में करीब करीब ये सभी सामान हमेशा अवेलेबल रहते हैं, हर किचन पेंट्री में ये मिलते हैं, तो मैं वही इंग्रेडिएंट्स यूज़ कर रही हूँ। हाफ चौथाई चम्मच के करीब हम यहाँ पे नमक डालेंगे। चौथाई चम्मच ही हम यहाँ पर काली मिर्च का पाउडर डालेंगे। सीजनिंग अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। मुझे रेड चिली फ्लेक्स और ऑरिगेनो का फ्लेवर बहुत पसंद है, इसलिए मैं दोनों आधा आधा चम्मच यहाँ पे डाल रही हूँ। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो इस तरह से हमारी बेसिक जो मसाले हैं वे डल गए हैं। अब हम यहाँ पर करीब चौथाई कप ये कटा हुआ मोजरेला डाल देंगे। आप चाहें तो ग्रेटेड प्रोसेस चीज़ भी डाल सकते हैं, पर पिज़्ज़ा में जब तक मोजरेला चीज़ ना डालें उसका चीज़ीनेस नहीं आता और इफेक्ट भी नहीं आता है। अब हम यहाँ पे बॉईल किए हुए पास्ता डाल देंगे। ध्यान रखें एकदम ठंडे होने चाहिए। उसके बाद में इसे अच्छे से मिक्स कर लें और अच्छे से मिक्स होने के बाद में सारा मसाला पास्ता पे अच्छे से कोट हो जाना चाहिए। अब हम इसे साइड में रख देंगे। अब मैं यहाँ पे तिसानों का एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल ब्रेड स्लाइसेस पर रखूंगी। इसे अच्छे से हमें ग्रीस कर लेना है। ये बहुत ही एरोमेटिक होता है, हेल्दी है, ये तो सभी को पता है, पर अरोमा भी बहुत ज़रूरी है। तो इसे अच्छे से स्प्रेड कर दें ब्रेड की स्लाइसेस पे। आप चाहें तो इसे दोनों साइड भी लगा सकते हैं, उससे और भी टेस्टी और हेल्दी ये बन जाएगा। अब हम यहाँ पे जो हमने पास्ता का मसाला तैयार किया था वह इसके ऊपर स्प्रेड कर दें। ध्यान रखें इसकी हमें एक ही लेयर चाहिए, तो चम्मच से अच्छे से इसे स्प्रेड करें और इसे एक के ऊपर एक ना लाएं, नहीं तो जब हम पिज़्ज़ा को बेक करेंगे उसे कट करेंगे तो दिक्कत आ सकती है। इस तरह से एक लेयर में लगाने पर ये अच्छे से बेक भी होता है और टेक्सचर भी बहुत ही बढ़िया आता है। अब आप यहाँ पर अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग कोई भी सब्जियाँ डाल सकते हैं और अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग यहाँ पे मोजरेला चीज़ डाल सकते हैं और प्रोसेस चीज़ भी डाल सकते हैं। आपके पास में यदि शेडार चीज़ हो तो वह भी डालें, उससे और भी अच्छा इसका टेक्सचर आता है। अब मैं यहाँ पे ये कैप्सिकम जो मैंने इस तरह से ट्रायंगल शेप में कट करी है वह डाल रही हूँ। साथ ही मैंने टमाटर के छोटे छोटे पीसेस भी कट कर लिए, इनके बीज निकाल कर इस तरह से आप इन्हें कट कर लीजिए और चाहें तो आप कलर्ड बेल पेपर्स का भी यूज़ कर सकते हैं। प्याज को भी सेम मैंने ऐसे ही छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है। साथ ही मैं यहाँ पे ब्लैक ऑलिव्स भी लगा रही हूँ। तो ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आपको जो भी यहाँ पे सब्जियाँ पसंद है वह लगा सकते हैं। हल्का सा चीज़ वापस से इसके ऊपर बुरक दें। तो इस तरह से अपनी मनपसंद टॉपिंग्स आप यहाँ पे लगा सकते हैं। अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा ऑरिगेनो और साथ ही मैं थोड़ी सी मैं यहाँ पे रेड चिली फ्लेक्स डालूंगी। यदि आपको ये बहुत ज़्यादा पसंद है तो आप इसमें यहाँ पर काली मिर्च भी डाल सकते हैं थोड़ा स्पाइसीनेस के लिए। अब मैंने ये घर पर ही एलोपिनोज बनाए थे, तो उनकी एक एक एलोपिनो की स्लाइस मैं यहाँ पे रख दूंगी। मुझे और मेरे बच्चों को ये बहुत पसंद आती है, तो मैं ये पिज़्ज़ा बनाते वक्त ज़रूर इसे यूज़ करती हूँ। ये बिल्कुल ऑप्शनल है। तो अभी हमारी जो ब्रेड स्लाइसेस हैं बेक होने के लिए तैयार है। मैंने अवन को पहले से ही प्रीहीट कर दिया है। प्रीहीट करने के लिए मैंने पहले से 200 डिग्री पर सेट किया, साथ ही दोनों रोड्स को ऑन कर दिया और 10 मिनट के लिए मैंने इसका टाइम सेट किया था। ये प्रीहीट हो चुका है। अवन इस समय काफ़ी गर्म है। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 4 यहाँ पर रैक्स हैं, मतलब कि 4 यहाँ पे स्टैंड है जिसमें आप इसे रख सकते हैं। तो मैं ऊपर से सेकेंड वाली पे से रख रही हूँ ताकि ऊपर से ये अच्छे से ग्रिल हो जाए, काफ़ी अच्छा इसके ऊपर कलर आए। अब हम इसे ढक देंगे और वापस से इसे 200 डिग्री पर दोनों रॉड इसको ऑन करने के करके करीब 10 मिनट के लिए इसे बेक कर दूंगी। यदि आपको यहाँ पर ज़्यादा ब्राउन स्पॉट चाहिए तो आप इसे 15 मिनट्स के लिए बेक कर सकते हैं। अब जब इसका टाइम फिनिश होगा तब बीप बजेगी और हमारा ओवन बंद हो जाएगा। मैं इसे खोल लूँगी, आप इसे बहुत ही सावधानी पूर्वक खोलें।
इस समय अवन की साइड्स और ये ट्री काफ़ी गर्म होती है, तो आप इस तरह से जो अवन के साथ ये हैंडल आता है उसे ही यूज़ करें और इसे निकाल दें। तो देखिए कितना अमेजिंग और टेस्टी ये पिज़्ज़ा बनकर तैयार हुआ है। इसे आप तवे पर भी इसी सेम तरीके से बना सकते हैं। तो ये देखिए कितना अच्छा और टेस्टी लग रहा है। जिस जिसके मुंह में इसे देखकर पानी आया, हमें कमेंट्स में लिख के जरूर बताइए। नीचे से ही बहुत ही अच्छी ये बेक हुई है, जबकि हमने इसमें एक ही तरफ ऑयल लगाया था। तो अब हम इसे गर्मा गर्म सर्व करेंगे। आप इसे स्लाइसेस में कट करें और इसे गर्मा गर्म सर्व करें। बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी रेसिपी है, आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिए। हमें आपके एक्सपीरियंस का इंतजार रहेगा और हमें और भी बताइए कि किस तरह की आपको और रेसिपीज चाहिए। तो आप देख सकते हैं कितना चीज़ी है और माउथ वाटरिंग है। इसे ज़रूर बनाएं, हमें आपके कमेंट्स का वेट रहेगा। थैंक यू।